राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कसार के सामाजिक दायित्व और समाज की सेवा के लिए सबसे अभिन्न गोयल प्रोटीन के द्वारा बनाए गए कक्षों का लोकार्पण समारोह में समाज सेवा के लिए कटिबद्ध जो हमेशा सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज सक्षम बने इसके लिए कार्य करते रहते हैं, इस संस्थान के अध्यक्ष श्री ताराचंद जी गोयल साहब, जिला शिक्षा अधिकारी श्री हजारी लाल जी शिवरे, इस गांव के सरपंच श्री कालूलाल जी भील साहब, इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री सुरेशचंद जी शर्मा साहब, कसार और आसपास के गांव के सभी मेरे भाइयों बहनों नौजवान साथियों विद्यार्थियों और इस स्कूल में बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए लगे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और गोयल प्रोटीन के सभी पदाधिकारी का मैं सबसे पहले गोयल प्रोटीन संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने एक शिक्षा मंदिर के अंदर अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले, पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाजनक व्यवस्था हो, इसके लिए उन्होंने कक्षा कक्ष का निर्माण कराया। केवल कक्षा कक्ष का निर्माण नहीं कराया, उन्होंने संकल्प लिया है कि इस विद्यालय को हम इस जिले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाएंगे और इसके लिए जहां संस्थान के अंदर भवन की, खेल मैदान की, अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी वह गोयल प्रोटीन सहयोग करेगा और यहां के बच्चे अच्छी गुणवत्तापूर्ण संस्कारी शिक्षा पाए, इसके लिए यहां के प्रधानाचार्य उनकी टीम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करे, क्योंकि अभिभावक कि हमेशा अपेक्षा रहती है कि मेरा बेटा मेरा बेटी देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बने, देश का सर्वश्रेष्ठ नौजवान बने जो समाज के अंदर नेतृत्व करे। मुझे याद है कसार गांव कसार ढाणी, जहां पर अधिकतर लोग मजदूरी काम करते हैं, पास के गांव में तो 50-70% लोग पत्थर तोड़ने के जैसा मेहनत का काम करते हैं, कुछ लोग किसान का काम करते हैं, कुछ लोग छोटा काम करते हैं, लेकिन मैं आने वाली जो पीढ़ी को देख रहा हूं और जिस तरीके की उनको शिक्षा मिल रही है, संस्कार मिल रहे हैं, अच्छे विचार मिल रहे हैं, बच्चों के अंदर शिक्षित बनने की लगन है, आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प है, बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास है, तो मुझे लगता है आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इस गांव की सबसे शिक्षित और देश के लिए समर्पित नौजवान की पीढ़ी होगी।
और यही हम सबका विचार होता है कि हम इस देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को शिक्षित समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो मैं जो पीढ़ी है हमारी, उस पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देनी होगी, संस्कार देने होंगे, तकनीकी ज्ञान की शिक्षा देनी होगी। और हमारे गांव के अंदर शिक्षा के साथ साथ उनको स्किल्ड करने का काम भी इसके साथ चलने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी शिक्षा का निर्माण करना है जहां मन मस्तिष्क से शिक्षा से ही बच्चा मजबूत ना हो, शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, मानसिक रूप से भी मजबूत हो और स्किल्ड के रूप में भी, तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिक शिक्षा के रूप में भी वह आने वाले भविष्य की वर्तमान हालातों को देखते हुए एक वैज्ञानिक पद्धति का नौजवान तैयार होने की आवश्यकता। और यह जब भी हम कर पाएंगे जब हिंदुस्तान के गांव के अंदर अच्छे शिक्षा के मंदिर बने, संस्कार के मंदिर बने, जहां पर हम उनको दुनिया की नई तकनीकी शिक्षा का ज्ञान दे सके। हमें परंपरागत शिक्षा के साथ साथ बदलती दुनिया की उस शिक्षा पद्धति की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। और हमारी शिक्षा नीति इसी तरीके से हमने बनाई है कि जहां बच्चों को शिक्षित भी हो और दीक्षित भी हो और दक्ष भी हो। शिक्षित और दक्षता दो उसके गुण को हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इस दिशा की ओर काम करने की आवश्यकता है। और जो मैं लगातार जिस तरीके से गांव में जाता हूं, वहां के अभिभावक, उस गांव के कुछ सक्रिय देशभक्त लोग, उनकी कोशिश रहती है कि हमारे गांव के अंदर शिक्षा का मंदिर हो, चिकित्सा का केंद्र हो और तमाम आधुनिक सुविधाएं जो आज के वर्तमान की आवश्यकता है वो तमाम सुविधाएं गांव के अंदर हो। और इसीलिए लोगों के सक्रिय योगदान को देखते हुए जब भी मैं गांव में जाता हूं तो गांव के लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षा के मंदिर है लेकिन भवन निर्माण की कमी है, खेल के मैदान की कमी है, कंप्यूटर लैब नहीं है, विज्ञान के लिए है तो नई तकनीकी की साइंस लैब नहीं है। ये विचार अब गांव के लोगों का आना पड़ा है। और इसीलिए मैं आज यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर इन तमाम शिक्षा मंदिरों को कैसे अच्छी और संस्कारी शिक्षा का केंद्र बना सकता है, इसके लिए गांव के साथ मिलकर सहयोग करने की आवश्यकता है। गोयल प्रोटीन ने एक शुरुआत की है, ऐसे जितने भी संस्थान हैं जो अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, जो समाज में समर्पण सेवा के माध्यम से काम करना चाहते हैं और गांव के लोग सक्रिय होकर हमेशा जिनका दृढ़ संकल्प है कि अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा और संस्कारी शिक्षा ही समाज को बदलने का काम करेगी, नए समाज का निर्माण करने का काम करेगी, उसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने अभी जिला शिक्षा अधिकारी की जी से कहा है कि हमें कोटा जिले के अंदर, बूंदी जिले के अंदर तमाम ऐसे विद्यालय जहां पर सरकारी विद्यालयों में कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है, उन कमी को
हम समाज के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर किस तरीके से उस कमी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि सरकारी विद्यालय के अंदर जो अध्यापक होते हैं उनमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, संस्कार देने का समर्पण और सेवा भाव होता है। केवल वह समर्पण के साथ ही काम नहीं करते, उनकी यह अपेक्षा भी रहती है कि मैं मेरे विद्यालय के बच्चे को देश का सबसे अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी बनाऊं, उसको मेरिट में लेकर आऊं, उसको दक्ष करूं, अच्छे संस्कार दूं। इसलिए सरकारी विद्यालय के अंदर भी अच्छे अध्यापक इसी मनोभाव से काम करते हैं और हमें इस दिशा की ओर काम करना चाहिए कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन सरकारी विद्यालयों के अंदर अगर सुविधाओं की कमी है तो उसको हम पूरी करेंगे, लेकिन गांव के लोग ये कोशिश करें कि जो भी बच्चा गांव के अंदर है उसको सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजें। हमें गांव के अंदर यह भी संकल्प लेना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी पूर्णता संपूर्ण साक्षर भी होनी चाहिए, पूरी शिक्षित भी होनी चाहिए, दक्षता भी होनी चाहिए। इसलिए गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं को कोशिश करके कि जो बच्चा गांव में पैदा हुआ है वो स्कूल में जाए ही जाए, इसके लिए गांव में एक व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये अभियान नहीं चलाया तो अभी भी कुछ बच्चे गांव में स्कूल होने के बाद भी शिक्षित नहीं हो पाएंगे, अशिक्षित रह जाएंगे। क्योंकि आज जब मैं गांव में जाता हूं तो 60 साल या 65 साल की उम्र के जो लोगों से मैं चर्चा करता हूं तो उसमें 80% लोग शिक्षित नहीं है, और यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि आने वाली पीढ़ी को हमें अगर शिक्षित करना है तो उस गांव को जागरूक होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, और हर गांव का बच्चा स्कूल में जाए और प्रिंसिपल और अध्यापक भी कोशिश करें कि एक बच्चा अगर विद्यालय का ड्रॉप आउट हो रहा है तो ड्रॉप आउट कौन हुआ है, किस लिए हुआ है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, उसको अगर धन का अभाव हो, स्कूल की किताब का अभाव हो, ड्रेस का अभाव हो, तो इन सारे कामों को गोयल प्रोटीन यहां पर करेगा। हर बच्चे को यहां पर एक साल के अंदर 4 ड्रेस मिलेगी, जूते मिलेंगे, किताब मिलेंगे, बक्सा मिलेगा, और तमाम चीजों की जो आवश्यकता एक बच्चे को है वो वहां पर मिलेगी। इस गांव के अंदर हम इंटरनेट की सुविधा देंगे ताकि गांव के अंदर बच्चा यहां पर कंप्यूटर के माध्यम से और इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से देश और पूरे विश्व की शिक्षा को अपने कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑनलाइन भी पढ़ सके। क्योंकि अब बच्चे को तकनीकी शिक्षा और प्रौद्योगिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, और इसीलिए हर गांव के अंदर फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा पहुंचिए। जिस गांव में भी सुविधाओं का अभाव होगा, मेरी जिम्मेदारी है इस 2021 के अंदर संपूर्ण गांव के अंदर इंटरनेट की सुविधा होगी ताकि बच्चा ठीक से देश और दुनिया की शिक्षा को प्राप्त कर सके। हम हमारे बच्चों को यहां पर कंप्यूटर शिक्षा की भी अनिवार्यता करेंगे, क्योंकि बदलती दुनिया के अंदर आज तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिक और संचार का ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिए जो बच्चा यहां पढ़ता है, जिला शिक्षा अधिकारी जी से भी आग्रह कर रहा हूं और यहां के प्रधानाचार्य से भी आग्रह करता हूं, आपको कंप्यूटर की आवश्यकता हो तो कंप्यूटर मैं उपलब्ध कराऊंगा, इंटरनेट की आवश्यकता होगी तो वो उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए हर बच्चे को
हम जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना आ रहा है, जैसे पढ़े लिखे का बच्चा 3 साल के अंदर कंप्यूटर और मोबाइल चलाने लगता है, हमारे गांव का बेटा भी 3.5 साल के अंदर कंप्यूटर के ज्ञान को प्राप्त करने की शुरुआत है। मैं गांव के नौजवानों की ताकत को जानता हूं। गांव का नौजवान मेहनत कश होता है, शारीरिक रूप से मजबूत होता है, मन मस्तिष्क से मजबूत होता है, संस्कारित होता है, अनुशासित होता है। केवल उसको ठीक तरीके से दिशा देने की आवश्यकता है। और इसीलिए जितने भी कोटा के अंदर सरकारी विद्यालय है, जहां खेल का मैदान है, वहां सब में खेल के मैदान को भी विकसित करने की हमारी योजना है, ताकि हर बच्चा खेल के मैदान में भी जाए, चाहे परंपरागत खेल में जाए या अभी वर्तमान के खेल में जाए, लेकिन हर बच्चा जो पढ़ रहा है वो खेल के मैदान में जाएगा, तो एक अनुशासन नौजवान हम तैयार करने का काम करेंगे। हमारे गांव के अंदर सबसे प्रारंभिक काम होना चाहिए हमारे गांव के अंदर अच्छी शिक्षा। दूसरा काम, हमारे गांव के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, और उसके लिए उसका लगातार स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहना। इसलिए हम गांव के अंदर प्लान कर रहे हैं कि हर गांव के एक ग्राम पंचायत में एक्सपर्ट गांव की टीम वहां पर आएगी, सामाजिक कार्यकर्ता सहयोग करेंगे और हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की जांच होगी, ताकि हर गांव का व्यक्ति स्वस्थ रहे। तीसरा, वहां पर गांव के अंदर उसको पीने का पानी, शौचालय, इन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि हर गांव के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हर गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास हो, पीने का पानी उसके घर घर नल पहुंचे, अच्छे विद्यालय हो, अच्छे चिकित्सा केंद्र, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क मिले, इन सारी चीजों को मिलाकर एक अच्छे समाज का निर्माण करना, यह हमारे लक्ष्य की ओर काम करने का लक्ष्य है। मुझे आशा है कि आज यहां एक शुरुआत की है गोयल प्रोटीन ने, और मेरा आग्रह ताराचंद जी से कि हम एक मॉडल खड़ा कर सकें इस कसार स्कूल से, कि कैसा एक स्कूल होना चाहिए, आदर्श स्कूल। और एक आदर्श स्कूल की कार्य योजना जब समाज के सक्षम लोग ये कोशिश करेंगे कि मुझे मेरे गांव के, जहां मैं पढ़ा हूं बड़ा हूं, वहां के अंदर या मैं व्यापार कर रहा हूं उद्योग कर रहा हूं, उस गांव को विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय पढ़ना है, आदर्श केवल भवन से नहीं, आदर्श शिक्षा से भी, संस्कार से भी, विचार से भी, और इस संकल्प के हम काम करेंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हम कहते हैं कि विश्व गुरु भारत होगा, विश्व गुरु जब ही होगा जब बौद्धिक क्षमता से और दक्षता से हमारे हिंदुस्तान का नौजवान सबसे सक्षम होगा। और इसके लिए हमें गांव से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक गांव के अंदर सक्षम नौजवान तैयार नहीं होगा, हम देश को सक्षम नहीं बना सकते। और इसके लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार इसकी नींव है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में कसार विद्यालय को लोग देखने आएंगे और हम एक मॉडल खड़ा कर सकेंगे कि कसार का विद्यालय किस तरीके से शिक्षा और संस्कार और खेलकूद और अन्य उसकी सभी सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।